नमस्कार दोस्तों, आज हम देख रहे हैं औरंगाबाद और आज संडे का दिन है। हम ये देख रहे हैं कि किस प्रकार संडे के दिन पर भी जालना रोड पर ट्रैफिक की आवाज़ आई है। और ये मेजर हाईवे है एक्चुअली, जो कि औरंगाबाद के बीच में से निकलती हुई जाती है। आपके सामने जो फ्लाईओवर का दिख रहा है वो फ्लाईओवर है, सेवन हिल्स का फ्लाईओवर। दुकानें सब बंद रखी हुई हैं और ये आपके सामने एक बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान दिख रहा होगा। इंसिडेंटली ये जो बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है, ये सामने आपको ये भी दिख रहा होगा क्रोमा है। ओके, तो ये जो क्रोमा की दुकान है, इसके खुलने से, चूँकि क्रोमा इलेक्ट्रॉनिक्स का ही सामान बेच रहा है, आपको यहाँ दिख रहा होगा कि क्रोमा इलेक्ट्रॉनिक्स का ही सामान बेच रहा है, तो लोग क्रोमा के पास जाना चालू कर दिए, बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स के पास कोई नहीं जा रहा था। तो ये स्टोर्स खुल जाने से, एक सुपर स्टोर खुल गया है, इसलिए एक लोकल बिजनेस पर असर पड़ा है। आप ये देखिए, ये पॉश लोकेशन है, हाईवे के ऊपर है, क्रोमा है, और इसके लिए मुझे ये हाईवे पार करना पड़ेगा। ये मेजर आर्टीरियल रोड है, ये देख रहे हैं सर्विस का फ्लाईओवर। और फ्लाईओवर डिज़ाइन करने के लिए ऑफकोर्स आपको इंजीनियर बनना पड़ेगा, एक सिविल इंजीनियर बनना पड़ेगा। बिना सिविल इंजीनियरिंग सीखे आप ये सुंदर फ्लाईओवर बना नहीं सकते। और ये भी आप देख रहे हैं, आपके सामने जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो एक मुड़ते हुई आ रही हैं, इसका मतलब ये फ्लाईओवर बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, फ्लाईओवर बेंड होता हुआ है। और ये जो कर्व डिज़ाइन है, ये भी एक सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट है। तो जब हम सिविल इंजीनियरिंग में कर्व डिज़ाइन करते हैं, एक ख़ास बात यह है कि जो स्ट्रेट लाइन है उसका रेडियस होता है इनफिनिटी, और जो कर्व है उसका एक लिमिटेड रेडियस होता है। तो इनफाइनाइट रेडियस से लिमिटेड रेडियस पर आने के लिए एक जर्क पैदा होगा, उस जर्क को कंट्रोल करने के लिए हमें ट्रांजिशन कर्व डिज़ाइन करनी पड़ती है। तो ये देखिए, एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, उस स्ट्रेट लाइन में इनफाइनाइट रेडियस है, और पीछे की तरफ देखिए कर्व है, लिमिटेड रेडियस का कर्व है, और उस कर्व को, जिससे जर्क न लगे पैसेंजर को, इसीलिए एक ट्रांजिशन कर्व डिज़ाइन किया गया है। और ये व्हाट यू कॉल सिविल इंजीनियरिंग का एक ब्रिलियंस का नमूना है, ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। तो हम ये देख रहे हैं, अभी हम लोग एक रेजिडेंशियल कॉलोनी के अंदर में है, राइट नाउ एक रेजिडेंशियल कॉलोनी के अंदर है, और यहाँ पर देखिए एक मोड़ है। तो आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि जब रेजिडेंशियल कॉलोनी में मोड़ है तो क्या यहाँ पर ट्रांजिशन कर्व होते हैं, क्योंकि देखने में तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एकदम राइट एंगल में मोड़ दिया गया है, पर नहीं, यहाँ पर भी ट्रांजिशन कर्व होता है, लेकिन वो थोड़े छोटे रेडियस का होता है। ये रेडियस भी कम रेडियस का टर्न है, ये इसलिए छोटे रेडियस का टर्म ट्रांजिशन कर्व बनाया गया है।
और आगे जाते जाएंगे तो हमको ऐसे ही वैसे राइट एंगल वाले टर्न हमको दिखते जाएंगे।